नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों बीते एक दिन पहले हम लाइव आए थे और लाइव में बहुत सारे भाई बोले कि सर राम सिंह यादव जी के बुक से रीजनिंग पढ़ाइए। तो दोस्तों हमने एक भाई से कमेंट किया, वादा किया कि भाई अगले दिन आपको हम रीजनिंग से संबंधित 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। और सब भाई का कमेंट का हम जवाब दिए और सब भाई का मन्नत हम पूरा करेंगे। दोस्तों मन्नत पूरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जिस मैथ से आपको सोल्यूशन चाहिए उस मैथ से सोल्यूशन आपको हम देंगे। आपको हम वादा करते हैं कि जिस बुक के बारे में आप बताइएगा उस बुक से सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, एकाएकी करके मिलेगा। अभी नहीं कहिएगा कि हम कहें तो सर जी नहीं बताएं, हम कहें तो नहीं बताएं। भाई साहब सबको बात हम सुने, सबका बात सुने और सबके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एकाएकी अब एक दिन भगवान तो नहीं है कि सारा वीडियो सारा बुक के सोल्यूशन एक दिन में कर देंगे। और उतना भी नेट हमारे पास नहीं है कि 1.5 GB नेट रहता है मेरे पास में, तो एक ही दिन वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम एक दिन में एक वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ, इसके बाद में हम 3 GB वाला नेट भराएंगे तो हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब बुक का सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हाँ, एकाएकी मिलेगा, ठीक है। दोस्तों हमारे पास सब मैथ का बुक अवेलेबल है। कल हम फिर लाइव आ रहे हैं और आप लोग जरूर उसमें आइएगा लाइव में, ठीक है। और उसमें हम लोग बात करेंगे और हम बुक के बारे में बताएंगे। बुक 2-3 को नए परचेज किए हैं तो उस बुक के बारे में आपको हम बताएंगे और बुक भी दिखाएंगे, ठीक है। कौन बुक से आपको सोल्यूशन चाहिए उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में दोस्तों आज हम रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, मात्र 10 क्वेश्चन का, ठीक है। 2 सेट में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे। हाँ, यदि कमेंट आपका आया कल, यानी कल लाइव हम आ रहे हैं आगे नेक्स्ट दिन, तो हम लाइव में आप लोग का कमेंट यदि आया कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए रीजनिंग का, तो रीजनिंग को हम चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चैप्टर वाइज पूरा करते चलेंगे, ठीक है। तब तक आज वाली वीडियो में आपको हम रीजनिंग के बारे में बोले थे तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, लेकिन सेट से दे रहे हैं, ठीक है। सेट आप लोग देख रहे होंगे, ये सेट हम 35 सेट पढ़ा चुके हैं, इसी से रीजनिंग अभी बताने जा रहे हैं, वो भी आपके कहने पर, ठीक है। सब भाइयों का कहने पर हम जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन एकाएक ही करेंगे, ठीक है। तो कल हम लाइव आ रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा। कम से कम दोस्तों 50 लोग लाइव में रहिएगा तो हमको ही मज़ा आएगा, मालूम है। 2.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, उतना खुशी आज तक नहीं हुआ होगा जितना खुशी हमको पिछले एक दिन पहले हुआ है लाइव में आकर, ठीक है। बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून आया। पता नहीं चल रहा था कि हम कहीं अलग पे बात कर रहे हैं, हम लोग लग रहा था कि हम लोग एक साथ बैठ कर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कल भी आप लोग लाइव में आइएगा, आपका हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। हाँ, एगो भाई साहब है राम जी कनौजिया, वो लाइव में आए थे और उन भी बोले हुए हैं समूचे चैप्टर के बारे में। दोस्तों समूचे चैप्टर के बारे में मतलब कि उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। जिस चैप्टर के बारे में आप बोलिएगा उसका सोल्यूशन देंगे, जिस बुक से बोलिएगा उस बुक से सोल्यूशन देंगे आपको। एकदम फरमाइशी पढ़ाएंगे, सिखा देंगे, ये नहीं सोचिएगा कि वो पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, एकदम सिखा देना है। तो आप लोगों का इंतज़ार हम करेंगे, यानी अगले दिन इंतज़ार करेंगे, आप लोग लाइव आइएगा, ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे आज वाली वीडियो में। हाँ, एक भाई के कमेंट आया, सॉरी कमेंट नहीं, जैसे हम तो नंबर दे दिए व्हाट्सएप नंबर दे दिए, तो भाई बहुत भाई लोग का कॉल आ रहा है कि सर राम सिंह यादव जी के बुक से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाइए। दोस्तों हम जरूर पढ़ाएंगे, हम हैं किस लिए, पढ़ाने के लिए तो हैं। जो चैप्टर में आपका प्रॉब्लम है उस चैप्टर के बारे में बोलिए, हम सोल्यूशन करेंगे। और फिर से लाइव क्लास में आपको हम मतलब कि फिर से आर्मी के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। बस एक लैपटॉप ले रहे हैं, अपना से खरीद नहीं रहे हैं, मतलब भाड़ा पर ले रहे हैं। 50 रुपया रोज़ लेगा, 50 रुपया सबको लेगा, दोस्ती आ रहे हैं तो 50 रुपया लेगा रोज़। तो हम उस लाइव क्लास चलाएंगे उस लैपटॉप से, ठीक है। और आप लोगों का कृपा यदि होगा तो लैपटॉप इसी साल खरीदा जाएगा, ठीक है। और खरीदा जाएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। लैपटॉप इसीलिए ले रहे हैं कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाएंगे और नीचे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए लैपटॉप ले रहे हैं। नहीं तो लाइव तो हम अभी पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ दिखाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। मान लेते हैं कोई भाई गाछी में गए होंगे, गर्मी का महीना है, गाछी में गए होंगे, वहाँ सोते हैं आराम से, तो क्वेश्चनवा यहाँ रहेगा, हम सोल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट वीडियो देख लेंगे। और क्वेश्चनवा रहबे नहीं करेंगे करेगा तो घर से किताब लेके थोड़ जाएंगे। अब कितना भाई फुर्ती रहा है जो किताब लेके बगवाते हैं, किताब लेके बगवाइएगा ना तो सब पागले कहेगा, लेकिन बगवाई को तो अच्छा है। पागले तो इतिहास रचता है, निम्न तो इतिहास पढ़ता है कि इतिहास
बिहार के धनी पटना झारखंड के रांची यही सब पढ़ता है निमन लोग। अब पागल लोग क्या होता है, रच देता है इतिहास। तो पागल बनिए समझे, नौकरी तो हो के रहेगा लेकिन नौकरी लाइक मेहनत कीजिए। भारत नहीं टालिए, भारत टाकले टालने वाले लोग पंगला उठ जाते हैं सेंट्रिंग ठोकने, ठीक है। इसलिए एकदम मेहनत से पढ़िए ना, नौकरी नहीं कैसे होगा हो, नौकरी लाइक पढ़िएगा तब तो नौकरी होगा। बात अभी सोच अभी समझ रहे हैं कि नौकरी यदि हो जा रहा है आपका तो मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा, मम्मी पापा के सीना चौड़ा हो जाएगा, आ उस साथ साथ आपका भी। आ फाटलो शर्ट पहनिएगा तो सब कहेगा स्टाइले है, सक्सेसफुल मैन है, ठीक है। इसलिए मेहनत जम के कीजिए एकदम, बात मानी हमारा नौकरी होकर रहेगा। ये मत दिल मत तोड़ लीजिए कि हाँ अब हमारा नौकरी नहीं होने वाला है, चार साल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, चार साल से भैया आप मेहनत नहीं किए हैं, चार साल आप मेहनत किए रहते ना तो नौकरी हो जाता। अब मान लो वैकेंसी आता, पढ़ना शुरू किया, सब दिन दौड़ रहे हैं, अब वैकेंसी आया तो पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो ऐसे थोड़े होगा। जितना लोग पहले पढ़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं उनको पहले नौकरी होगी, आप वैकेंसी के दिन आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उस आपका नौकरी होगा, उनका नौकरी होगा, क्योंकि शुरू से मेहनत कर रहे हैं। तो किसी भी काम में एकदम शिद्दत से लगिए, पूरे एकदम लाइन में, लाइन तोड़िए नहीं, तोड़िएगा तो फिर पीछे जाना पड़ जाएगा, इसलिए लाइन में लगे रहिए, दिल तोड़िए मत, ठीक है। हम मानते हैं कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, वैकेंसी आएगा उस दिन अटैक कर जाएंगे, ठीक है। चलिए लाइव क्लास में यानी नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे ज़्यादा डीपली इस पर, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा 46 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, रीजनिंग रहता है सेट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऑप्शन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है 9,8,529, ऑप्शन नंबर बी में है 9,27,81, ऑप्शन नंबर सी में है 3,927 और ऑप्शन नंबर डी में है 6,18,54, ठीक है। मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए एक घटाया, यहाँ क्या कर दिया पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए 9 27 तो 9 3 27 और 27 81, इन तीन में गुना है 3 का, 3 3 9 तीन का गुना है, 9 3 27 तीन का गुना है, 6 3 18 तीन का गुना, 18 3 54 तीन का गुना। आ इसमें देखिए क्या किया है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है यानी सही नहीं है, तो इसलिए आप आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, समझ रहे हैं ना। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आते हैं तो आप आंसर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा हो हमको ना दोबारा मिला। चलिए 47 क्वेश्चन है कि 54 43 34 28 22 19 18 इस यहाँ डॉट के स्थान पर कौन सी संख्या भराएगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए कम कर रहा है, इसका मतलब 54 से 43 आया है, कितना कम किया है, तो 7 4 11 कम किया है, 11 कम किया है, हम नीचे लिखते हैं 11 कम किया। फिर यहाँ कितना कम किया देखिए, तो 6 3 9 9 कम किया है, तो देखिए यहाँ 2 2 के अंदर 11 कम किया, फिर 9 कम किया, तो फिर इसका मतलब 7 कम हो गया, यहाँ देखाएगा तो 7 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 27 हो जाएगा 27, ठीक है। फिर यहाँ से 7 कम किए हैं, फिर इसमें से 5 कम होगा तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 कम होना चाहिए, फिर यहाँ से 1 कम होना चाहिए, हाँ सीरीज मिल गया, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 27 27, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी संबंधित होगी। ध्यान दीजिए मार्च जो है वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगा, ये बात आपसे पूछा है, ठीक है, ऐसा अनुपात का चीज लगा दीजिए ना। ध्यान दीजिए मार्च जो है वर्ष में आता है तो गर्मी किस में आता है, तो गर्मी ऋतु में आ जाएगा, ऋतु में ऑप्शन में है क्या ऋतु, हाँ ऑप्शन ऋतु में है, ऑप्शन नंबर ए है सर्दी, सर्दी में कहीं गर्मी आता है, हाँ शरद गर्म होता है और गर्मी में गर्मी आता है, नहीं मार्च जो है महीना है किसका, वर्ष के अंतर्गत आता है, तो गर्मी ऋतु के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ऋतु में ही ठंडा गर्मी बरसात सब होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1250 250 50 और 10
अगला क्या होगा यही आपसे पूछ लिया है। ध्यान दीजिए क्या किया इसने, पता है? पाँच से भाग देते गया है, आगे सब में पाँच से भाग देते गया है। इसमें पाँच से भाग दीजिएगा तो 250 आ जाएगा, ठीक है? देखिए ना, 25 एक जीरो यह गया, फिर इसमें पाँच से भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा, 50 में पाँच से भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 में पाँच से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ होगा, ठीक है? अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो सब चीज़ आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अभी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे भाई के पिता के एकलौती पुत्री का बेटा है। राम के साथ उस फोटो के शख्स से संबंधित है, ठीक है? राम ई राम मान ली, क्या है? आर से राम मान ली, ठीक है? राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, तो फोटो मान लिए, फोटो है, हिंदी में लिख लीजिए फोटो, फोटो ये फोटो है। राम जो इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे इशारा करके, वो नहीं कौआ, ठीक है? वो फोटो हुआ में राम इशारा करते हुए कहता है कि ओ मेरे भाई के पिता, ये मेरे भाई, तो दोस्तों हम इसको ऊपर लिखते हैं पहले, इसको बाद में लिखते हैं, फोटो लिखते हैं यहाँ ऊपर में, मेरे भाई, तो भाई तो इसी के कैटेगरी में होगा, भाई तो इसी के, राम के भाई, राम ही के कैटेगरी में होगा। ओ मेरे भाई के पिता, इसका पिता, पिता तो इसका ही भाई, इसका ही पिता, तो राम के भी तो ये पिता होगा, राम का भी पिता ही होगा, समझ रहे हैं? आई भाई हो गया। चलिए आगे देख लीजिए क्या कहता है, भाई के पिता की इकलौती पुत्री, इनका इकलौती पुत्री, इनका इकलौती पुत्री, तो राम का भी बहन हो जाएगा और राम के भैया का भी बहन हो जाएगा, समझ रहे हैं? इन दोनों का बहन हो जाएगा, बहन, बहन, बहन ही लिखिए ना, बहन, बहन, ठीक है? तो पूछा है राम के साथ उस फोटो से क्या संबंधित है, राम के साथ उस फोटो से क्या संबंधित है। आइए देखिए, राम के भाई के पिता के इकलौती पुत्र का ये बेटा हुआ, फोटो हुआ जो है ना, बेटा हुआ, फोटो, फोटो वाला लड़का जो है ना, बेटा हुआ किसका, राम के भाई के पिता के इकलौती पुत्र का ये बेटा हुआ, समझिए? ये दोनों राम के और राम के भाई के ही पिता हो गया, और पिता के बेटी बहन होती है, पता है ना? पिता का बेटी बहन होती है, और बहन का बेटा क्या होगा भाई साहब, बहन का बेटा क्या होगा, भगीना। तो इसमें पूछा है, इसमें पूछा है राम के साथ उस फोटो के शख्स से कौन संबंधित है, मतलब कि फोटो के ये रामू जी कौन लगते हैं, से के मतलब हमेशा के, मतलब फोटो से, यानी फोटो वाला के कौन है राम, तो इसका मतलब है कि मामा, मामा जी, मामा, मामा होगा आपका आंसर, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? इस ब्लॉट लेसन जो है ना आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, पढ़ाया जाएगा पूरा, ठीक है? चलिए सेट नंबर 7 में आते हैं, इससे पीछे तो पढ़ाएं, अभी 50 नंबर तक वो सेट 6 था, सेट 7 में आइए। सेट 7 में क्या कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 सही रीडिंग रहता है कि प्यार, प्यार है ऐसा इजहार है, प्यार दोस्त समानुपात और नफरत, नफरत अनुपात वाट। दोस्तों इस वाट के जगह पे क्या होगा, मतलब कि प्यार का संबंध दोस्त से है, तो प्यार जो है दोस्त से ही किया जाता है, अभी नायका स्टाइल में कुछ और से किया जाता है, वो भी दोस्त है, प्यार किससे किया जाता है, दोस्त से, तो नफरत किससे किया जाएगा, तो ये तो सब जानता है कि दुश्मन से नफरत किया जाएगा, दुश्मन से नफरत किया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दुश्मन। ऑप्शन मिला लीजिए, दोस्त, तो दोस्त से नफरत नहीं होगा, क्योंकि दोस्त से प्यार होता है, और जब नफरत हो जाएगा तो आपका फोन पे या रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है? आगे देखिए दुश्मन, हाँ ऑप्शन और बी हो जाएगा आंसर, भाई से नफरत नहीं होता है, बहन से नफरत नहीं होता है, ठीक है? किताब के माध्यम से रियल में होता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए डैश सी डी बी सी डैश ई आर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, ठीक है? तो हम तो कहेंगे
पहले देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो बांट लिया जाता है, पहले अक्षर गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 गो है ना, तो 4 4 गो बांट लीजिए, 4 4 गो बांट लीजिए, 9 गो रहता तो 3 3 गो बांट लेते, 16 गो रहता तो 8 8 8 2 16 या 4 4 16 जैसे बांट लीजिए आपका मर्जी। तो देखिए यहाँ भरना है दोनों जगह, टैली कर देना चाहिए, देखिए ए है सी है डी है, अच्छा हमको तो यहाँ लगातार दिख रहा है तो हम यहाँ बी भर देंगे भैया तो कोई दिक्कत हो जाएगा ना, और बढ़िया हो जाकर लगातार हो जाएगा, तो ए बी सी डी आ यहाँ देखिए बी सी लगातार है आ यहाँ डॉट ई है, तो हम यहाँ डी रख देंगे तो बी सी डी ई ना हो जाएगा, तो हम क्या भरे हैं खाली स्थान पे, बी भरे हैं और डी भरे हैं, तो आपका आंसर भाई साहब बी डी हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हुआ, क्या कहता है 2 5 7 11 14 और डॉट, ठीक है डॉट वाट, ठीक है तो क्या भराएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्या किया है 3 बढ़ाया, फिर क्या किया 2 बढ़ाया, फिर क्या किया 4 बढ़ाया, फिर क्या किया 3 बढ़ाया, तो फिर आप क्या कीजिएगा बता दीजिए, देखिए 3 बढ़ाया 2 बढ़ाया फिर कम किया, फिर इससे एक ज़्यादा किया है, ठीक है 4 बढ़ाया 3 बढ़ाया, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप 2 बढ़ाइए और फिर अगला रहता था 1 बढ़ाते तो 14 में 2 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी आपका आंसर भाई साहब 16 हो जाएगा, पहले 3 बढ़ाया 2 बढ़ाया फिर 4 3 तो फिर हम 2 बढ़ा दिए, ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ए सी ई जी और वाट, तो देखिए ए आता है 1 पर सी 3 पर ई 5 पर जी 7 पर तो अगला 9 पर होगा, तो 1 3 5 7 9 तो 9 पर हो जाता है आई 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 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है डी में। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 15 40 और 70 अगला डॉट, तब पहले क्या बढ़ाया है 25 बढ़ा दिया, फिर क्या बढ़ाया 30 बढ़ा दिया, तो फिर आप भी 35 बढ़ा दीजिए ना, 35 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10 105 हो जाएगा, तो आपका आंसर भाई साहब 105 हो गया, ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन के वादा हम किए थे कि रीजनिंग का वीडियो भाई साहब अगले दिन आपको मिलेगा, तो आपका वादा पूरा हुआ या नहीं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर सभी भाइयों को कर दीजिए ताकि अगले दिन हम लाइव जब आएँ तो 50 लोग कम से कम लाइव में रहे, बस इतना ही चाहिए हमको 50 लोग, ठीक है। और दोस्तों हाँ सेट नंबर 8 तक रीजनिंग पढ़ा दिए, सॉरी 6 7 आज पढ़ा दिए, आगे कमेंट आया तो और भी रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, अब कमेंट नहीं आया तो समझ आइए, ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे का सेट लेकर आज के लिए इतना ही, जय हिंद।